Hey, do you know Dammaro Dam was meant for Usha Uthup and not Asha Bhosle? जब देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा अनाउंस की तो सबको लगा ये माइथोलॉजी फिल्म है, लेकिन असल बात तो ये थी, देवानंद को काठमांडू में एक लड़की मिली थी जो कनाडा से काठमांडू भाग के आई थी हिप्पियों के साथ। बस इसी कहानी पर उन्होंने ये फिल्म बनाई। फिल्म में मुख्य किरदार था देवानंद की बहन का। देवानंद की गर्लफ्रेंड का किरदार मुमताज ने अदा किया, लेकिन इंडस्ट्री में कोई भी हीरोइन देवानंद की बहन का रोल नहीं करना चाहती थी। एक पार्टी में देवानंद मिस इंडिया पैसिफिक की विनर जीनत अमान से मिले और जीनत को देखते ही देवानंद को लगा कि यही मेरी जैनिस है, यही मेरी बहन का रोल कर सकती है। फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा का हिट गाना दम मारो दम हिप्पियों के बारे में नहीं है। इट इज नॉट अबाउट ड्रग्स, इट इज नॉट अबाउट मैरिजुआना। भारत की आजादी को 25 साल हो चुके थे। भारत का तब का युवा खुश नहीं था, बेरोजगारी बढ़ चुकी थी, भारत में 3 वॉर हो चुके थे और महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि वो परेशान था। और इसी परेशानी में प्रोटेस्ट करने के लिए उनको ये गाना मिल गया, दुनिया ने हमको दिया क्या, दुनिया से हमने लिया क्या, हम सब की परवाह करे क्यों, सब ने हमारा किया क्या। आनंद बख्शी साहब, टेक अ बाव। फिल्म के म्यूजिक के लिए देवानंद ने एस डी बर्मन को फाइनल किया, लेकिन एस डी बर्मन ने जब इस फिल्म की कहानी सुनी, कहानी पढ़ी, उन्होंने देवानंद को रेकमेंड किया उनका बेटा आर डी बर्मन। फिल्म की कहानी में सिचुएशन यह है कि सारे हिप्पी नशा कर रहे हैं, नाच रहे हैं और देवानंद वहां आते हैं और उन्हें समझाते हैं। तो इस सिचुएशन के लिए देवानंद को अपने लिए गाना चाहिए था। पंचम को कोई परफेक्ट ट्यून, परफेक्ट मीटर नहीं मिल रहा था। एक दिन पंचम और आनंद बख्शी साहब म्यूजिक रूम में बैठे हुए थे और आनंद बख्शी साहब ने सिगरेट सुलगाई और स्टाइल में फूंक कर वो बोले, दम मारो दम मिट जाए गम। पंचम ने ये पकड़ लिया, पंचम ने तुरंत धुन बना दी और आनंद बख्शी साहब गाना लिखते गए। अगले दिन सुबह देवानंद को बुला के हिप्पीज की एंट्री वाला ये गाना दम मारो दम भी सुनाया और देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो, ये गाना भी सुनाया, क्योंकि इसी गाने के पहले ये सिचुएशन आ रही थी। द सॉन्ग वॉज रिकॉर्डेड बट देवानंद वॉज स्केप्टिकल कि अगर ये गाना फिल्म में लिया तो उसके बाद का देवानंद का जो गाना था देखो ओ दीवानो उस पर ये गाना पूरा हावी हो जाएगा। बट पंचम सजेस्टेड कि क्यों ना एक अंतरा लेते हैं गाने में दम मारो दम का और उसके बाद देखो दीवानों शुरू करते हैं और ये पूरा गाना दम मारो दम ग्रामोफोन रिकॉर्ड पे रिलीज करते हैं। देवानंद अग्रीड। हरे रामा हरे कृष्णा फ्लोर पे जाने से पहले देवानंद और पंचम ओबेरॉय दिल्ली गए थे उषा उत्थुप को सुनने। दोनों को उषा उत्थुप पसंद आ गई। देव साहब ने उषा उत्थुप को हरे रामा हरे कृष्णा में ड्यूएट गाना ऑफर किया। पंचम ने बताया कि ये ड्यूएट गाना लता मंगेशकर के साथ है, लता मंगेशकर की आवाज मुमताज के लिए और उषा उत्थुप की आवाज जीनत अमान के लिए और गाना था दम मारो दम। इस गाने की बहुत सारी रिहर्सल्स हुई और उषा उत्थुप फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए पंचम के फोन का वेट कर रही थी। एक दिन पंचम ने कॉल किया और उषा उत्थुप को सॉरी बोल दिया, आई एम सॉरी ये गाना आशा जी गाएंगी कोरस के साथ, लेकिन मैं एक और गाना बना रहा हूँ आई लव यू जिसमें तुम्हारी आवाज की जरूरत है। और पंचम ने हरे रामा हरे कृष्ण के लिए एक और गाना बनाया जिसमें आशा भोसले और उषा उत्थुप को गवाया। पंचम एक्सप्लोर्ड ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ आशा भोसले's वोकल्स इन दीज सॉन्ग्स। दम मारो दम गेव जीनत अ कल्ट फिगर, अ कल्ट इमेज विद ऑल द कॉस्ट्यूम एंड बिग गॉगल्स एंड इट ऑल्सो फेच्ड जीनत अमान द बेस्ट सपोर्टिंग फिल्म फेयर दैट ईयर। आशा भोसले को भी इस गाने के लिए बेस्ट फिल्म फेयर, बेस्ट सिंगर फिल्म फेयर का अवार्ड मिला। दम मारो दम बिकेम टॉप मोस्ट सॉन्ग इन अमीन सयानी प्रोग्राम बिना का गीत माला, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो पे ये गाना बैन हो चुका था। इस फिल्म का गिटार मोटिफ जो भूपिंदर सिंह ने बजाया है और उसके बाद आता कोरस हरे कृष्णा हरे राम, इट हैज मेस्मराइज्ड, इट हैज कॉट अटेंशन ऑफ ऑल द जनरेशन और हर जनरेशन का ये यूथ एंथम बन गया है। दूरदर्शन के प्रोग्राम फूल खिले गुलशन गुलशन पे एस डी बर्मन ने एक कहानी बताई थी कि पहले जब वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करते थे तो लोग उन्हें पॉइंट करके बोलते थे वो जा रहा है म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन, लेकिन हरे राम हरे कृष्ण के बाद जब वो मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे तो लोग अब बोलते थे वो जा रहा है आर डी बर्मन का डैड एस डी बर्मन। हरे रामा हरे कृष्ण वॉज पंचम्स किक स्टार्ट टू द अमेजिंग एंड मेलोडियस 70s। ऐसी ही अद्भुत और अमेजिंग कहानियां लेकर मैं फिर से हाजिर होऊंगा अगले एपिसोड में ओनली ऑन बॉम्बे टॉकीज विद यतिन संगोई।